आप सबने वो वीडियो देखी होगी जो इस देश ने, दुनिया ने, सबने देखी। उस वीडियो के पहले फ्रेम में जो 6-7 लोग हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में जो व्यक्ति है लाल पगड़ी पहने हुए, उसका नाम है तेजेंद्र सिंह बेट। वो तराई किसान संगठन के हैं। मैं कह सकता हूं पिछले 5 वर्ष से हम एक साथ काम कर रहे हैं, और हम सबको लगा कि बिल्कुल प्रिंसिपल टारगेट उस लिंचिंग का जो था वो तेजेंद्र सिंह बेट था। खैर, आप सबने देखा, जीप आती है, उनके ऊपर रौंद के निकल जाती है, तेजेंद्र सिंह बेर्ग वहां दूर जाके खड्डे में गिरते हैं, और हम सबकी खुशकिस्मती है कि वो व्यक्ति आज जिंदा है। उनको खड्डे से निकाला जाता है, पगड़ी पहनी हुई थी, इसके बावजूद बहुत सीरियस हेड इंजरीज हुई है, वेदांता में फाइनली ऑपरेशन हुआ उस व्यक्ति का। मैं सब इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उस तेजेंद्र बेर्ग के खिलाफ कंप्लेंट हुआ। कंप्लेंट क्या, कि उस गाड़ी से रौंदे जाने के बाद, खड्डे में गिरने के बाद, इतनी सीरियस हेड इंजरी होने के बाद तेजेंद्र सिंह बेर्ग लठ लेके दूसरों की लिंचिंग कर रहा, और इस कंप्लेंट को यूपी पुलिस एंटरटेन कर रही है। आप सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। तस्वीर है उस आदमी के रौंदे जाने की, तस्वीर है खड्डे से जब उसको निकाला जा रहा है उसकी, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट है कि कहां कहां वो व्यक्ति गया, और उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसने लिंचिंग कर दी इन लोगों। तो झूठ की कोई सीमा होती है इस देश जैसे हाँ, जैसे योगेंद्र जी ने कहा, वहां मीटिंग के अंदर ये बिल्कुल बातें हुई थी कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, हमने आक्रमण झेला है, आक्रमण किया नहीं है। वो वीडियो भी साबित कर रही है, ये एक टेरर अटैक है, आतंकवादी घटना है, हमारे को डराने के लिए की गई है, और वो वीडियो ये सारी बात साबित करती है। धन्यवाद। धन्यवाद सभी साथियों का। और जो ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि नेट वहां पे बंद थे लखीमपुर में, सारी वीडियो सामने नहीं आ पाई, और जैसे जैसे वीडियोस आई आप लोग वहां पे गए और बहुत खबरें अंदर तक निकाल कर लेकर आप लोग आए। आपने पूरा जिस तरह का दहशत का माहौल वहां के लोगों के बीच में है आज भी, तो लोग बहुत भयभीत और डरे हुए हैं। और संयुक्त मोर्चे की समस्त देश के किसानों की यह डिमांड है, ये समझौते में भी शामिल थी कि मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, जांच पूर्ण रूप से यहां की सरकारें पुलिस अधिकारी कर ही नहीं सकती। जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कौन चला जाएगा, उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, 120B का दोषी, गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता। जब तक वे गिरफ्तार होकर जेल में जाके बापू बेटा उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे, जब अधूरी रहेगी ये आंदोलन, हमारे चलेंगे और हमारा आंदोलन से समाधान की तरफ जाएगा, और जब तक समाधान नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा। 5 घोषणाएं जो संयुक्त मोर्चे ने की, जो जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे हैं इन्होंने घोषणाएं की, और 26 तारीख तक का पूरा प्लान यहाँ पे बताया गया है। पूरा प्रशासन से ये है कि लोग हमारे जाने शुरू हो गए हैं, उनको रोकने की वो ना करें। उस दिन भी जब सुबह यहां से हम 5 बजे के आसपास चले, गाजीपुर बॉर्डर से रोकना शुरू हुआ, और वहां तक पुलिस पूरे रास्ते लगी रही, करीब 12 घंटे वहां पे जाने में लग गया। गाड़ियां थी, बैरिकेडिंग थे, वहां पे गए बहुत लोग, वहां पे गए करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के बीच में ये समझौता हुआ। आज एक गिरफ्तारी नहीं उसको कह सकते जो आज पूछताछ हुई है, वो निमंत्रण देख के भुला हुआ आदमी है कि कोई उससे पूछता रहेगा, ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है और रहेगा। हम 12 तारीख में आके केंद्र ने पूरा संयुक्त मोर्चा 12 तारीख में वहां पे जा रहा है, और वहां पे आगे की जो ये घोषणा की है इनको पूर्ण रूप से अमल में वहां पे जा रहा है।